हेलो स्टूडेंट्स, कल से जो है काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं नाइन्थ के स्टूडेंट्स के और साथ ही साथ जो है इलेवंथ के स्टूडेंट्स के। उनका जो है एक बार बार जो है बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी कंपार्टमेंट आ गई है तो ऐसे में मेरा पेपर कैसा आएगा, कंपार्टमेंट में क्या हम पास हो पाएंगे, कंपार्टमेंट में पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, कंपार्टमेंट का पेपर कहाँ से बनता है, ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ और इलेवंथ के स्टूडेंट्स हैं और आपकी जो है इस बार कंपार्टमेंट लग गई है, चाहे एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट हो सकता है या फिर आपका दो ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो सकता है, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा ध्यान से देखिएगा। आपको डेट शीट भी दिखाएंगे, पूरा सर्कुलर आपको दिखाऊंगा और सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कितने नंबर आपको लाने होंगे। स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है और आप जो है नाइन्थ में है और आप जो है इलेवंथ में है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, कंपार्टमेंट लगा है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक मौका मिल गया है, क्योंकि काफी सारे बच्चे दोस्तों उनको कंपार्टमेंट का मौका भी नहीं मिला है क्योंकि काफी सारे बच्चे फेल हो गए। तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को जो है अभी आपको संभालना होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। कंपार्टमेंट आपको मिला है तो कंपार्टमेंट हट जाएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा उसको लेकर, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले बात करें तो नाइन्थ इलेवंथ के स्टूडेंट्स का जो है कल 31 को जो है मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो है देश भर के जितने भी स्कूल हैं सबने जो है 31 मार्च को यानी कि रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। काफी सारे बच्चे कल से जो है डिप्रेशन में है क्योंकि काफी सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है। तो सबसे पहले मैं पासिंग नंबर आपको बता देता हूँ, कितने नंबर जो है अब आपको पास होने के लिए लाना होगा कंपार्टमेंट में। सबसे पहले जो है हम नाइन्थ क्लास को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इलेवंथ पे बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में है और उनकी कंपार्टमेंट आ गई है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ में आ गई है, साइंस में आ गई है, एसएसटी में आ गई है या फिर जो भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, आप लोग दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए कि आपको पास होने के लिए कितना नंबर अब आपको लाना होगा। आप जब नाइन्थ का कंपार्टमेंट देंगे तो आपका नाइन्थ का कंपार्टमेंट जो है 80 मार्क्स का होगा। तो एवरी बच्चों को ट्राई करना है कि आपको जो है कंपार्टमेंट का जो पेपर होगा उसमें जो है आप कम से कम जो है यहाँ पे 22 नंबर लेके आइए। 22 नंबर आपको हर हाल में लाना पड़ेगा कंपार्टमेंट में पास होने के लिए, ज़्यादा नंबर नहीं है। क्लास नाइन्थ के बच्चों का पास होना यहाँ पे ईजी है, तो आपको ट्राई करना है कि कम से कम जो है आप 22 नंबर ले आएँ। अगर 22 नहीं भी आ पाता है किसी बच्चे का तो 20+ भी लाने की कोशिश करिए, यानी कि आपको इतना कोशिश करना है कि 20+ आपको मार्क्स लाना है, क्योंकि आपका पासिंग क्रिटेरिया बोर्ड ने ये बता रखा है कि आपको 100 में से 33 नंबर लाना है पास होने के लिए क्लास नाइन्थ को। इसका मतलब अगर आप जो है आपका कंपार्टमेंट का पेपर में जो है आप कम से कम जो है 80 में से 20 नंबर भी ले आते हैं और टीचर्स आपको जो है 15 नंबर आपको देते हैं 20 में से, तो आपका जो है यहाँ पे हो जाता है 35 नंबर, आप पास हो जाएंगे। तो आपको ट्राई इतना करना है कि अपना बेस्ट दीजिए, कम से कम ट्राई करिए कि 20+ ही मार्क्स लाया जाए, चाहे 20 लाइए, 21 लाइए, 22 लाइए या फिर जो है आप जितना बेस्ट ला सकते हैं उतना बेस्ट लाइए, लेकिन मिनिमम जो है आप कोशिश करिए कि 20+ ही आपको मार्क्स आ जाए, तो आप इजीली पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब इलेवंथ को लेकर बात करें, जो स्टूडेंट्स इलेवंथ में हैं और उनको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, इलेवंथ के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों का पासिंग क्रिटेरिया डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और आप इलेवंथ में कंपार्टमेंट को हटा पाएंगे और आप जो है इलेवंथ में पास होकर ट्वेल्थ में बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। आप लोग पासिंग क्रिटेरिया सबसे पहले देख लीजिए, इलेवंथ का पासिंग क्रिटेरिया भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप लोग का पेपर जो है किसी सब्जेक्ट का 70 नंबर का होगा, किसी सब्जेक्ट का 80 नंबर का होगा। 70 नंबर का सब्जेक्ट जो है आपका कौन कौन सा हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गए, बायो हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके 70 नंबर के होंगे। अगर आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट में जो है आपकी कंपार्टमेंट लगी है तो आपको 70 में से कम आपको 23 नंबर लाना पड़ेगा, हर हाल में 23 नंबर लाना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है कि आप जो है यहाँ पे 22 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, आपको 23 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। और आप ट्राई ये करिएगा कि आपका जो है कम से कम 25 नंबर आ जाए, क्योंकि 23 नंबर जो है बाउंड्री वाला है, यानी 23 नंबर बाउंड्री है, तो आप बाउंड्री के लिए जो है फोकस करेंगे तो काफी सारे बच्चे जो है 22 पे या 21 नंबर ले आएंगे। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि 22 नंबर भी आ जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे फिर से फिजिक्स में, और इस बार जो फेल होंगे तो आपकी जो है कोई कंपार्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा, आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपका अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायो में जो है आपकी कंपार्टमेंट है तो कम से कम आपको जो है जो 70 नंबर का पेपर होगा वहां पर आपको 23 नंबर लाना है, 24 नंबर लाना है, 25 नंबर लाना है, लेकिन 22 नंबर नहीं लाना है, ये ध्यान रखिएगा। 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे जो है 80 नंबर वाली कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथमेटिक्स जो है आपका 80 नंबर का हो जाता है, इसके अलावा जो है इंग्लिश हो सकता है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स में भी जो है अकाउंटेंसी हो गया, और भी काफ़ी सारे ढेर सारे सब्जेक्ट हैं जो इनका पेपर 80 नंबर का होगा कंपार्टमेंट का आपको। तो जो भी सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का होगा वहाँ पर आपको कम से कम जो है 26 नंबर लाना होगा, यानी मिनिमम आपको 26 नंबर लाना ही होगा। अगर आप यहाँ पे 25 नंबर लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम आपको जो है 26 नंबर लाना है, या फिर जो है अच्छा हो सके
सके तो 26 नहीं बल्कि 27 या 28 लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 26 नंबर बाउंड्री है। इसलिए आपको जो है कम से कम जो है पास होने के लिए 26 प्लस आपको मार्क्स चाहिए होगा। अब मैं जो है और भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये पासिंग क्रिटेरिया तो आपने जान लिया, अब और भी बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर में काफ़ी सारी चीज़ें कह रखी है, यानी कि 9th 11th को लेकर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कही गई है। 33% पास होने के लिए नंबर चाहिए, मैंने आपको पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज आपको ब्रेकडाउन करके बता दिया आप लोग को जो है किस तरीके से लाना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का बात कर लेते हैं, कंपार्टमेंट का जो पेपर आता है वो कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आता है, कंपार्टमेंट का पेपर इजी आता है या फिर हार्ड आता है। तो इजी हार्ड को लेकर मैं बताऊं तो दोस्तों, तो आपका जो मेन पेपर हुआ था यानी 11th का आपका मेन जो पेपर हुआ था यानी फाइनल ईयर का जो पेपर हुआ था, या 9th का आपका जो फाइनल ईयर का पेपर हुआ था, सिमिलर वैसा ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो है कंपार्टमेंट का हार्ड बनाया जाता है, उससे थोड़ा बहुत जो है ईजी ही आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपार्टमेंट का पेपर यहाँ पे हार्ड बनता है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। तो 9th 11th के काफी सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि 9th 11th का जो हमारा कंपार्टमेंट का पेपर बनता है वो किस बुक से बनता है और कंपार्टमेंट का पेपर आता कहाँ से है। तो इसको लेकर मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले स्टूडेंट्स हैं 9th 11th का, हर साल जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट का पेपर कंडक्ट होता है, बच्चे पास होते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 9th 11th को लेकर जो है बच्चे रिफ्रेशर पढ़ने लगते हैं, यानी अलग अलग जो उन्होंने परचेस की होती है वहां पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और मेन बुक जहां से पेपर बनता है उसको फोकस ही नहीं करते। एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 9th 11th का जो है, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनेगा। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी अगर आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट ऑलरेडी कर रखा है तो आपको जरूरी है कि आप रिफ्रेशर बुक को करिए, यानी कि पहले एनसीईआरटी उसके बाद ही जो है रिफ्रेशर बुक पर जाइए। तो ये चीजें आप लोग करिए, पहले एनसीईआरटी को मत छोड़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनसीईआरटी से ही आपका कंपार्टमेंट का पेपर बनेगा। अब मैं आपको डेटशीट दिखा देता हूं 9th 11th का जो है, जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आप लोग देख सकते हैं वहां पे जो डेटशीट होगी किस टाइप की होगी, यानी कि कब कब जो है आप लोग का पेपर होगा। तो सिंपली जो है यहां पे पूरी कंप्लीटली गाइडलाइंस को जो है मैं आपको समरी में आपको बता रहा हूं, और ये सारी चीज आई होप मैंने जो अभी आपको बताया सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स आपके 9th 11th को लेकर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंप्लीट जो है पास कराने को लेकर सारी चीजें मैं आपको आगे मटेरियल स्टडी मटेरियल भी आपको दूंगा, तो उसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए। उसके लिए जरूरी होगा कि आप लोग जो है यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही 9th 11th को लेकर इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग का कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग दूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए तो डेटशीट आपका कुछ इस तरीके से होगा, 9th का देख लीजिए और साथ ही साथ जो है 11th का डेटशीट देख लीजिए। पहला पेपर जो है आप लोग का यहाँ पे 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा और भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट पेपर आपका जो है यहाँ पे कब है, लास्ट पेपर आपका जो है 2 मई को है। तो यहाँ पे जो है अभी आपके पास टाइम है, यानी कि देखा जाए तो आज जो है यहाँ पे आज से और आपका 17 यहाँ पे अप्रैल में देखा जाए तो टाइम है। तो इन टाइम में पूरा जो है यहाँ पे फोकस कर लीजिए अपने उन सब्जेक्ट की तैयारी में जिनमें आपका कंपार्टमेंट आया है, आराम से आप पास हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, 9th 11th को लेकर और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के पास भी भेज दीजिए जिनका कंपार्टमेंट आया है, ताकि वो बच्चे बिल्कुल भी घबराए नहीं और साथ ही साथ जो है उनके पास ऑथेंटिक अपडेट पहुंच पाए 9th 11th को लेकर कंपार्टमेंट को लेकर क्या सही चीजें हैं, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जय हिंद।